आप सबों को मेरा प्रणाम। हम लोग बीकॉम सेमेस्टर वन का एक पेपर डील कर रहे हैं जिसका कि नाम है ब्रांच अकाउंटिंग। और ब्रांच अकाउंटिंग पे ये हमारा लेक्चर नंबर 17 है आप लोगों के साथ में। इसके पहले 16 लेक्चर हो चुका है और आज ये लास्ट लेक्चर है हमारा। आज के बाद आज ये एक टॉपिक एक डील करने के बाद ये लेक्चर हम लोग एंड कर देंगे। इस टॉपिक इस चैप्टर को ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा और कोई नए चैप्टर को लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आज का जो टॉपिक है ना, ये इंडिपेंडेंट ब्रांच में जो हम आप लोगों से बात कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, ट्रीटमेंट ऑफ सम स्पेशल आइटम्स। ये कुछ स्पेशल आइटम्स हैं जो स्क्रीन में आप लोगों को दिख रहा है, गुड्स इन ट्रांजिट, कैश इन ट्रांजिट, हेड ऑफिस एक्सपेंसेस चार्जेबल टू ब्रांच, डेप्रिसिएशन ऑन ब्रांच फिक्स्ड एसेट्स एंड इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शंस। इसके अलावा और भी हो सकते हैं, ये कुछ स्पेशल टाइप के हैं। तो इनसे रिलेटेड जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, क्या एंट्री होना है इनका हेड ऑफिस के बुक में और ब्रांच के बुक में, ये सारा हम प्रीवियस लेक्चर में आपके साथ डील कर चुके हैं। अगर आप नए हैं तो प्रीवियस लेक्चर, इससे पहले के लेक्चर्स को देखिएगा, आपको ये सारा डिटेल मिल जाएगा। बहुत डिटेल से हम लोग स्टडी किए थे इन सभी के बारे में। फिर भी एक बार देखिए जल्दी से, जैसे गुड्स इन ट्रांजिट का क्या एंट्री होना है। तो गुड्स इन ट्रांजिट व्हेन द एडजस्टमेंट एंट्री इज पास्ड इन इन किसके यहाँ कहता है कि इन द बुक्स ऑफ एक मिनट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। तो हेड ऑफिस क्या एंट्री करेगा? हेड ऑफिस एंट्री करता है आपका, ये देखिए, गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। और अगर यही ब्रांच एडजस्टमेंट एंट्री पास करेगा तो गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू एचओ अकाउंट, गुड्स इन ट्रांजिट का। फिर आपको हम कैश इन ट्रांजिट का बताए थे, सेम होता है, सिर्फ यहाँ कैश वर्ड है। एचओ एंट्री पास करेगा कैश इन ट्रांजिट टू ब्रांच। फिर आपको जो बतलाए थे, हेड ऑफिस एक्सपेंसेस चार्जेबल टू ब्रांच, जब हेड ऑफिस अपने कुछ खर्च को ब्रांच के ऊपर चार्ज करेगा तब। रीजन बताए थे कि मेन सेंट्रलाइज सर्विस देता है और कुछ अपने खर्च को ब्रांच के ऊपर चार्ज करता है। तो हेड ऑफिस के यहाँ एंट्री होगा ब्रांच अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट। ब्रांच के यहाँ क्या एंट्री होगा? एचओ एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस अकाउंट। डेप्रिसिएशन का एंट्री बताए हुए हैं आप लोगों को। डेप्रिसिएशन में दो केस है कि जो ब्रांच फिक्स्ड असेट्स है उसको मेंटेन कौन कर रहा। तो अगर ब्रांच मेंटेन कर रहा है तो ब्रांच के यहाँ क्या एंट्री होगा? ध्यान दीजिएगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड असेट्स अकाउंट। ध्यान दीजिएगा, ब्रांच फिक्स्ड असेट्स को ब्रांच ही मेंटेन कर रहा तो अपने यहाँ एंट्री किया डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड असेट्स। एचओ इसका क्या एंट्री करेगा? कोई एंट्री पास नहीं करेगा, चूंकि ब्रांच का फिक्स्ड असेट्स था, ब्रांच ही मेंटेन कर रहा है तो नो एंट्री। अच्छा, यही अगर केस बदल जाए, जब हेड ऑफ ब्रांच फिक्स्ड एसेट्स को एचओ मेंटेन करेगा, एचओ, तो ध्यान दीजिएगा एचओ क्या एंट्री करेगा अपने यहाँ, देखिए, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट। ध्यान दीजिएगा, ये एंट्री डेप्रिसिएशन का है ना, डेप्रिसिएशन ऑन ब्रांच फिक्स्ड एसेट्स का हम बता रहे हैं। और उसी का जो जब मेंटेन करेगा, ये हेड ऑफिस मेंटेन करेगा तो ब्रांच क्या एंट्री कर रहा है? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एचओ अकाउंट। फिर आपका लास्ट में एक बतलाए थे हम लोग, हमने बताया था आपको इंटर ब्रांच ट्रांसफर का एंट्री। इंटर ब्रांच ट्रांसफर क्या हुआ? जब एक ब्रांच दूसरे ब्रांच के साथ कुछ काम कर रहा है तो हेड ऑफिस सीधा सीधा करता है रिसीवर डेबिट, गिवर को क्रेडिट करता है, जो सेंडिंग ब्रांच को क्रेडिट करता है। जो सेंडर ब्रांच है वो कहता है कि हम एचओ को भेजे हैं तो एचओ डेबिट करता है और गुड सेंड टू एचओ अकाउंट को क्रेडिट कर देता है। जो रिसीवर है वो कहता है कि हमको एचओ से मिला है तो गुड्स फ्रॉम एचओ अकाउंट डेबिट टू एचओ अकाउंट। तो एक बार एंट्री को रिकॉल करा दिए और आइए हम लोग इसी पे आधारित एक क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिस कर ले और ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ये रहा हम लोगों का क्वेश्चन, ऑलरेडी ले रखे हैं हम, आइए क्वेश्चन को समझते हैं हम लोग, है ना। हम लोग का क्वेश्चन देखिए, प्रदीप लिमिटेड हैव देयर हेड ऑफिस एट मेदिनीपुर एंड ब्रांचेस ए एंड बी, दो ब्रांच है। Each branch keeping a complete set of books for recording daily transactions. देखिए, एक हेड ऑफिस है प्रदीप लिमिटेड, थोड़ा सा हम ड्राइंग कर लें। एक है आपका प्रदीप लिमिटेड, और ये प्रदीप लिमिटेड जो है ना, ये आपका हेड ऑफिस है ना, और इसके दो ब्रांच हैं,
ब्रांच ए और ब्रांच बी, ठीक है ना, ये दो ब्रांच हो गए उसके, ब्रांच ए और ब्रांच बी। आइए आगे समझिए। ऑल फिक्स्ड असेट्स अकाउंट्स आर हाउएवर मेंटेन्ड ओनली इन द हेड ऑफिस बुक्स। ध्यान दीजिएगा, फिक्स्ड एसेट्स जो है ना, फिक्स्ड एसेट्स का अकाउंट्स कौन मेंटेन कर रहा? एचओ। ये जो एफए है, फिक्स्ड एसेट्स है, इसका जो अकाउंट है ना, ये जो अकाउंट है वो एचओ मेंटेन कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, एचओ मेंटेन कर रहा है ना, एचओ के यहाँ अकाउंट मेंटेन हो रहा है फिक्स्ड एसेट्स का। फिर कहता है द ब्रांच डू नॉट कीप करेंट अकाउंट्स विथ ईच अदर एंड एंट्रीज फॉर एनी डायरेक्ट ट्रांजेक्शंस बिटवीन देम बीइंग रिकॉर्डेड एज इफ अफेक्टिंग द करेंट अकाउंट्स बिटवीन एचओ एंड ईच ब्रांच कंसर्न। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन द बुक्स ऑफ एचओ। एचओ क्या है एंट्री बोला, एज वेल एज इन द बुक्स ऑफ ब्रांच ए। दो के यहाँ एंट्री पास करने बोला, एचओ के यहाँ और ब्रांच ए के यहाँ, है ना। ध्यान दीजिएगा, एचओ के यहाँ एंट्री पूछ रहा है और ब्रांच ए के यहाँ, नीचे कुछ ट्रांजेक्शन दिए हुए है ना। आइए हम लोग एकदम सावधानी से समझते हुए चले दोनों के यहाँ एंट्री। तो सबसे पहले अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन आपका आ जाता है, तो एक स्टूडेंट अगर हम रहेंगे तो हम कैसे बनाएंगे, हम पहले एंट्री फॉर्मेट बना लेंगे, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, जो प्रदीप लिमिटेड हेड ऑफिस है, फॉर्मेट रेडी है हमारा, है ना। और उसके बाद तुरंत हम बना लेंगे आपका, एक मिनट, ये रहा, हाँ, ये जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ आपका एचओ हो गया, और दूसरे पेज में हम बना लेंगे जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ब्रांच ए। ए ब्रांच के यहाँ एंट्री पास करने बोला है, ठीक ना। दो पेज में हम अलग अलग बना लिए, एचओ के यहाँ एंट्री हो रहा है और आपका ब्रांच ए के यहाँ एंट्री हो रहा है ना। आइए ट्रांजेक्शन देखें। द ट्रांसफर एट कॉस्ट ऑफ स्टॉक फ्रॉम हेड ऑफिस टू ब्रांच ए, द कॉस्ट ऑफ द गुड्स बीइंग 50,000। कह रहा है ना कि हेड ऑफिस जो है गुड्स ट्रांसफर किया है किसको, ब्रांच को, ए ब्रांच को, और वो कॉस्ट पे ट्रांसफर किया। ध्यान दीजिएगा, तो ये तो गुड्स सेंड का एंट्री सिंपल सा होना है, ए के यहाँ क्या एंट्री होगा, गुड्स सेंड करने का एंट्री कीजिए, हेड ऑफिस के यहाँ क्या एंट्री होगा, गुड्स भेजने का एंट्री बोलिए। एक नंबर में ध्यान ब्लैक कर लें इसको, ये आपका एक नंबर है ना, ये आपका एक नंबर हो गया। गुड्स सेंड का एंट्री बताइए, ए ब्रांच अकाउंट डेबिट, ए ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड। अब पूरा लिखते हैं ना, लेक्चर नंबर याद कीजिए, एक दो पहला दूसरा लेक्चर बताया था पूरा एंट्री, गुड सेंड टू ए ब्रांच अकाउंट, ए ब्रांच अकाउंट कितने का भेजा है, 50,000 का भेजा है, ये रहा 50,000। अब ये बताइए, ये तो चलिए हो गया बीइंग गुड्स सेंट, बीइंग गुड्स सेंट टू ब्रांच ए, भेज दिया। भेजने के बाद अब जो ये आपका ये तो एचओ के यहाँ एंट्री हुआ, अब बताइए इसी का ए ब्रांच क्या एंट्री करेगा, ये रहा ब्रांच ए, तो ए को तो गुड्स रिसीव हुआ ना, तो ये क्या लिखेगा, एक नंबर में गुड्स, इसके आया है गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम, कहां से आया है, एचओ अकाउंट डेबिट, एचओ से गुड्स आया टू, गिवर कौन है, हेड ऑफिस अकाउंट, यही ना गिवर है, एचओ ही ना गिवर है, कितने का होगा, 50,000 रुपीज का हो जाएगा। नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग गुड्स रिसीव्ड, हम मान लिए कि पूरा मिल गया, फ्रॉम किसे मिला है, एचओ, गुड्स रिसीव फ्रॉम एचओ,
ये तो आसान एंट्री था, इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अब आइए एंट्री नंबर टू में, ध्यान दीजिएगा। ₹25,000 रेमिटेड बाई ब्रांच ए, ए ब्रांच पैसा भेजा है टू एचओ हेड ऑफिस बाई बैंक ट्रांसफर एज इंस्ट्रक्टेड बाई हेड ऑफिस। ध्यान दीजिएगा, ए ब्रांच ना हेड ऑफिस को ₹25,000 भेजा। चलिए पहले ए के यहाँ एंट्री कर ले। ए ब्रांच जो ₹25,000 भेजा है किसको भेजा है? हेड ऑफिस को। तो ये किसको डेबिट करेगा? हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट, हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू, पैसा कहां से गया? बैंक से, टू बैंक अकाउंट, बैंक ट्रांसफर हुआ ना, टू बैंक अकाउंट। कितने का हुआ ये? ₹25,000 का हुआ है, ठीक ना। और ये ₹25,000 को यहां पे क्या लिखेगा? नरेशन बताइए, बीइंग, उतार दीजिए उसी को, कैश सेंड किया है ना, कैश सेंड टू हेड ऑफिस। आसान है, इसको बंद कर ले हम लोग, इसको हम लोग बंद कर लिए। अब आइए हेड ऑफिस इसका क्या एंट्री करेगा। ये रहा आपका हेड ऑफिस। हेड ऑफिस के यहां क्या हुआ? पैसा आया है, तो इसके यहां अपोजिट हो जाएगा, बैंक डेबिट हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट। इसको इसके यहां तो पैसा आया ना बैंक में, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कौन दिया? हु इज गिवर? टू ए ब्रांच अकाउंट। यही ब्रांच ना दिया है, टू ए ब्रांच अकाउंट। कितने रुपए का है? ₹25,000 का है। और आपका नरेशन क्या हो जाएगा बताइए? बीइंग कैश रिसीव्ड, कैश कैश ही इसके है ना, या रेमिटेंस, रेमिटेंस रिसीव फ्रॉम किसके? कैश रिसीव्ड कहिए या रेमिटेंस फ्रॉम, ऐसा कीजिए ना, कैश बोलिए या रेमिटेंस बोलिए, बात बराबर है। रेमिटेंस रिसीव्ड फ्रॉम किससे? फ्रॉम ए ब्रांच या ब्रांच ए, जो लिख लीजिए। नरेशन आप अपनी सुविधा के हिसाब से लिखेंगे, जो आपको लगता है, लेकिन मीनिंग क्लियर होना चाहिए, है ना। ये हो गया आपका एंट्री नंबर टू। अब देखिए इंटरेस्टिंग आने वाला है। आइए तीन नंबर में चलते हैं। तीन नंबर ध्यान दीजिएगा, ब्रांच ए इज चार्ज्ड विथ ₹8,000 फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। ध्यान दीजिएगा, ए ब्रांच को चार्ज कर दिया गया है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के लिए, रेंडर्ड रेंडर्ड बाय हेड ऑफिस ड्यूरिंग द ईयर एज पर अग्रीमेंट। मतलब ए ब्रांच को चार्ज कर दिया है ना। आप देखिए, याद कीजिए, अभी अभी आपको बतला रहे थे ना, ये हेड ऑफिस वाला जो एक्सपेंसेस जो है, ये देखिए ये एंट्री है ना, हेड ऑफिस एक्सपेंसेस चार्जेबल टू ब्रांच। ए ब्रांच जो चार्ज कर दिया अपना खर्चा किसके ऊपर? ब्रांच के ऊपर। तो हेड ऑफिस क्या एंट्री करेगा? हेड ऑफिस एंट्री करेगा ब्रांच अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट। यही ना एंट्री करेगा, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट। आइए एचओ क्या एंट्री देखिए, तीन नंबर का क्या एंट्री हो रहा बोलिए, इसका क्या एंट्री हुआ फिर से बोलिए। ब्रांच को चार्ज किया ब्रांच अकाउंट डेबिट, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू, देखिए यहां फिर से देखिए किसको क्रेडिट किए हैं हम लोग, यहां देखिए, यहां पे टू एक्सपेंसेज अकाउंट, जो एक्सपेंस है। तो आइए कौन सा एक्सपेंस है? ब्रांच अकाउंट डेबिट टू आपका क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज अकाउंट। कितना रुपया चार्ज किया है जी? ये चार्ज किया है ₹8,000 का है, ₹8,000 का है ना। नरेशन क्या हो जाएगा? बीइंग बोलिए, नरेशन बोलिए, बीइंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज को चार्ज कर दिया है ना,
चार्ज्ड, बस इतना ही लिखिए ना, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को चार्ज कर दिया है, ठीक ना। ये रहा आपका, इसको बंद किए हम लोग। अब बताइए इसी का ये ब्रांच क्या एंट्री करेगा, आप याद कीजिए। आप देखिए यहां पे आपको बतलाए हुए हैं, हेड ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, जो एक्सपेंस है उसको डेबिट करना है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू हेड ऑफिस अकाउंट। इसके यहां हो जाएगा तीसरा का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कौन अकाउंट क्रेडिट होना है, देखिए यहां पे हेड ऑफिस अकाउंट, यही ना, टू हेड ऑफिस अकाउंट। रुपया कितना है, 8000 का है, है ना। नरेशन क्या होगा बताइए, तो एंट्री लिख दीजिए, ये आपका नरेशन हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस चार्ज्ड, कौन चार्ज किया है, बाय एचओ, एचओ ने चार्ज किया है, कुछ भी आप नरेशन देख लीजिएगा, नरेशन बार बार कह रहे अपनी सुविधा के हिसाब से देख लेंगे, है ना। मीनिंग एंट्री जो पास किए हैं वो पता चल जाना चाहिए कि किस कारण से पास किए हैं, है ना। अब आइए आपका नेक्स्ट, पांच नंबर देखिए, चार नंबर देखिए, चार नंबर सावधानी से देखिएगा, अब इंपॉर्टेंट आ रहा सब। द परचेज ऑफ अ राइटिंग डेस्क, ये जो राइटिंग डेस्क है ये असल में फर्नीचर है, इसको आप फर्नीचर कहेंगे, है ना। फॉर रुपीज 5000 बाई ब्रांच ए, ए ब्रांच के द्वारा एक राइटिंग डेस्क खरीदा गया, है ना, पेड फॉर बाई चेक, इसके लिए चेक से पेमेंट किया गया बाई दी ब्रांच, मतलब राइटिंग डेस्क खरीदा है ब्रांच और वो खुद ही पेमेंट किया है चेक से, ठीक ना। लेकिन ध्यान दीजिए, शुरू में ही कहे थे हम कि ये जो फिक्स्ड एसेट्स है इसका अकाउंट कौन मेंटेन कर रहा है, एचओ। तो ये जो राइटिंग डेस्क खरीदा है कौन खरीदा है बोलिए, आपका ये राइट ब्रांच खरीदा है और ब्रांच ही पैसा पेमेंट किया है, तो ब्रांच अपने यहां क्या एंट्री करेगा बताइए। ये राइटिंग डेस्क जो खरीदा है तो ये चूंकि अकाउंट्स मेंटेन कौन कर रहा है, एचओ, तो ये लिखेगा हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट, हेड ऑफिस को डेबिट कर देगा टू, इसके पास पैसा गया ना, टू बोलिए पैसा जाने पे क्या लिखेगा, चेक से पेमेंट किया है बैंक अकाउंट, ठीक ना। ये 5000 रुपीज का खरीदा है और नरेशन क्या हो जाएगा बोलिए, इसका नरेशन हो जाएगा बीइंग, सेम कॉपी कर दीजिए ना, राइटिंग डेस्क परचेस्ड, राइटिंग डेस्क खरीदा है, ठीक ना। और ये किसके भी आप, मतलब एक चीज बताइए, जो राइटिंग डेस्क खरीदा है ये जो भी खरीदा है, चूंकि अकाउंट्स कौन मेंटेन कर रहा है, एचओ, शुरू में ही बोला था कि फिक्स्ड असेट्स का अकाउंट जो है एचओ मेंटेन कर रहा है, तो ये किसके भी हाथ में खरीदा, एक तरह से किसके इंस्ट्रक्शन पे खरीदा होगा, ये बिना बोले तो खरीदेगा नहीं, तो लिख सकते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ एचओ, है ना, ऑन द बिहाफ ऑफ एचओ, ठीक है। राइटिंग डेस्क खरीद लिया, फर्नीचर खरीद लिया, ये रहा आपका, ये क्लोज हो गया। अब आइए हेड ऑफिस इसका क्या एंट्री करेगा बताइए, हेड ऑफिस क्या एंट्री करेगा, फर्नीचर को तो यही ना मेंटेन कर रहा हेड ऑफिस, ये जो फिक्स्ड एसेट्स है अकाउंट तो यही मेंटेन कर रहा, तो ये क्या लिखेगा, ये लिखेगा फर्नीचर है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, अकाउंट्स तो इसी को ना मेंटेन करना है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू, मतलब ये कौन खरीदा है, फर्नीचर जो खरीदा है कौन खरीदा है, टू ए ब्रांच अकाउंट, कितने खरीदा है, 5000 रुपये खरीदा है। नरेशन क्या बोलिएगा, नरेशन लिख दीजिए भाई, राइटिंग डेस्क
परचेज्ड, खरीदा ना, राइटिंग डेस्क, परचेज्ड बाय ब्रांच ए, ब्रांच ए, बस आसान है। और सिर्फ एक बच गया है लास्ट, ये रहा, इसको हम लोग ऐसे बंद कर दिए। लास्ट देखिए, समझने का प्रयास कीजिएगा, है ना। कहता है द ट्रांसफर फ्रॉम ब्रांच ए टू ब्रांच बी, ए से बी को ट्रांसफर हुआ ऑन द अकाउंट ऑफ अ कस्टमर मिस्टर एक्स अमाउंटिंग टू रुपीज 6,000 ऑन मिस्टर एक्स शिफ्टिंग हिज बिजनेस फ्रॉम ए टू बी। समझने का प्रयास कीजिए, एक ट्रांसफर हुआ ए से बी के बीच में, क्या ट्रांसफर हुआ है, तो ऑफ द अकाउंट ऑफ अ कस्टमर मिस्टर एक्स, एक मिस्टर एक्स है जो कि कस्टमर है ए ब्रांच का, ध्यान दीजिएगा, ए ब्रांच का एक कस्टमर है मिस्टर एक्स, और मिस्टर एक्स का क्या हुआ कि अब वो बिजनेस शिफ्ट कर रहा था, है ना, तो ए से बी को, सीधे सीधे समझिए ना, ए का कस्टमर था एक्स, वो चला गया बी को, तो एक तरह से पैसा पैसा का ट्रांसफर हो रहा, मान के चलिए अकाउंट ट्रांसफर हुआ, मतलब इसके यहां से खत्म हो रहा है, इसके यहां चला आया, तो यहां रिसीवर कौन है, बी, गिवर कौन है, ए, ए ने बताए थे, तो हेड ऑफिस क्या एंट्री करेगा, हेड ऑफिस एंट्री करेगा, याद कीजिए, रिसीवर को डेबिट करता था और गिवर को क्रेडिट करता था, तो बी ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ए ब्रांच अकाउंट, है ना, ये कितने का था फिगर, याद कीजिए 6,000 रुपए का था, और नरेशन क्या हुआ, नरेशन कॉपी कर दीजिए, अकाउंट ट्रांसफर हुआ ना, बीइंग अकाउंट ट्रांसफर हुआ है, है ना, सीधे सीधे लिखिए ना, ऐसे लिख दीजिए, मिस्टर एक्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम, कहां से, किससे किसको गया, ए ब्रांच ए टू ब्रांच ए टू ब्रांच बी, ठीक है। और आप ये बताइए किसका कस्टमर था, कस्टमर था, क्वेश्चन देखिए, कस्टमर था आपका किसका, ए से, ए का कस्टमर था जो कि किसको चला गया, बी को, तो ए का कस्टमर जो ट्रांसफर हुआ, तो आपको याद कीजिए, आप एंट्री देखिए, एंट्री स्पेशल एंट्रीज में हम आप लोगों को बतलाए हुए हैं कि जो सेंडर होता है वो मानता है कि किसको हम ट्रांसफर किए, एचओ को, तो ये हेड ऑफिस को डेबिट करेगा, सेंडर मतलब ए से, मान लीजिए ये ए है, तो ए मानता है कि हम किसको दे दिए, एचओ को, तो एचओ अकाउंट डेबिट, एचओ डेबिट करेगा, पांच नंबर में ये एचओ को डेबिट करेगा, ध्यान दीजिएगा, हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट, और इसका कस्टमर था ना ए का, तो मिस्टर वो डेबिट किया होगा जब बेच के रखा होगा, तो मिस्टर एक्स को क्रेडिट कर देगा, मिस्टर एक्स अकाउंट, है ना, मिस्टर एक्स का अकाउंट इसके यहां डेबिट रहा होगा, जब अकाउंट ट्रांसफर हुआ तो वो क्या हो गया, क्रेडिट हो गया, तो मिस्टर एक्स का हिसाब किताब खत्म, ए के बुक्स से, नरेशन वही लिख दीजिए, बीइंग अकाउंट ऑफ मिस्टर एक्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम, कहां से कहां गया, सीधे लिखना, अकाउंट ऑफ मिस्टर ए ट्रांसफर, ज्यादा नहीं लिखिए, काफी है इतना, तो ये हमको लगता है कि आसान है, आप कुछ एग्जांपल्स बनाएं, कोई डाउट होगा तो आप हमको फोन कर सकते हैं, मेरा नंबर आपको दिया हुआ है, कोई भी डाउट हो आप हमको फोन कीजिए, बेशक फोन कीजिए, है ना, और हम समझाने का प्रयास करेंगे, एकदम आप लोगों को उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी, ये चैप्टर समझ में आया होगा अच्छे से आप लोगों को। लाइव बने रहने के लिए थैंक्स, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें आप, ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे, और नेक्स्ट हम किसी नए चैप्टर के साथ आप लोगों के साथ सामने आएंगे। लाइव बने रहने के लिए थैंक्स, हैव अ गुड डे।